निशांत कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। सुख सुविधा के जीवन जीने के जो परंपरा चल चुके है, इस रूप में वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। निशांत कुमार जी के अंदर ये भावना, ये सोच कूट कूट के भरी हुई है। उनके अंदर कोई भी लोभ लालच, जीवन में चकाचौंध के जीवन उनको नहीं पसंद है। वो बेहतर से बेहतर सेवा बिहार के जनता को कर सकते हैं, पार्टी की सेवा कर सकते हैं, और इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ। नीतीश कुमार, बिहार में जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को एक करने में शुरुआत में काफी मेहनत की थी, वो आज एनडीए के साथ शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच अब चर्चा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में कदम रखने की, लेकिन इस बात की चर्चा आखिर क्यों हो रही है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले यानी कि 3 जून को दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर ऐसा होगा तो बिहार में क्या होगा, कौन वहां पर मुख्यमंत्री पद को संभालेगा। वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर देखा जाए तो शुरुआती रुझानों में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर ही नजर आ रहा है। यहां इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह की उम्मीद की थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। इन सब में नीतीश कुमार का काफी योगदान देखने को मिला है। 4 जून के दोपहर तक रुझानों में जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी। फाइनल आंकड़े भी इसी के आसपास ही नजर आने वाले हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। वजह यह है कि पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे बिहार में, वहां पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। इसके अलावा ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश को पाला बदलना की जो उनकी आदत है उससे कुछ पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन रुझानों में नीतीश कुमार को 15 सीटें पर बढ़त मिल रही है और वहीं पर बीजेपी को देखिए तो 13 सीटों पर बढ़त मिल रही है। फाइनल आंकड़े भी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके आसपास ही रहेंगे। बिहार में एनडीए 2019 में 39 सीटों पर जीत दर्ज करके आगे बढ़ी थी और सरकार में उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। लेकिन अब वापस आते हैं, नीतीश के बेटे की चर्चा आखिर तेज़ क्यों है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महासचिव परमहंस कुमार का नीतीश के दिल्ली आने के बाद बयान आया कि अब जो नीतीश के बेटे हैं उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। वैसे तो बिहार में नीतीश कुमार परिवारवाद पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब उनके परिवार का सदस्य अगर राजनीति में आएगा तो कैसे नीतीश सवालों के बौछार को वो संभाल पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि परमहंस कुमार ने 3 जून को कहा था कि आज समय और परिस्थिति की मांग जो है उसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हैं वो पार्टी और राज्य हित में आगे उनको आना चाहिए। परमहंस कुमार ने नीतीश के परिवारवाद पर सवाल उठाने पर यह भी कहा कि वो अपनी जगह पर जिस बात को कहते हैं वो बिल्कुल सही है। परिवारवाद में जो सत्ता सुख भोगने की परंपरा चल चुकी है उसका हम लोग विरोध करते रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ईमानदार साफ सुथरे नेता का कोई सुपुत्र हो जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है, राज्य की सेवा करना चाहता है, तो उसको आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि निशांत कुमार के अंदर कोई भी जो लोभ होता है, लालच होती है सत्ता में आने का, वो नहीं है। चकाचौंध जीवन जीने की आदत उनको पसंद नहीं है। वो बेहतर से बेहतर बिहार की सेवा, पार्टी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसलिए उनकी ये मांग है कि निशांत कुमार को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। परमहंस कुमार ये भी कहते हैं कि नीतीश के बेटे एक अच्छे और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार के बाद क्या जेडीयू में कोई अच्छा नेता नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि निशांत को राजनीति में लाने की मांग करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी में जो नेता हैं वो यहाँ पर योग्य नहीं है, हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी और बेहतर करेगी परफॉर्मेंस और मजबूत नज़र आएगी राज्य में और ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के बेटे को क्या बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में कदम रखते हैं तो क्या उनके बेटे को कोई बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस आपको स्विच पर देखने को मिलेगी, इसलिए आप लगातार देखते रहिए स्विच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।